हेलो एवरीवन, नमस्ते भाइयों बहनों, मैं विनय सिंह। देखिए, जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ न्यूज चैनल्स है, ये जर्नलिज्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। कितने झूठ बोले हैं इन लोगों ने, हम अब देखेंगे। देश संकट में है। ये देखिए हमारे अर्णब गोस्वामी जी, जिन्होंने झूठ बोला था न्यूज चैनल के प्रसारण के दौरान, और ये पकड़ा गया इंटरनेशनल मीडिया में। गजब बेइज्जती हो गई है। Twitter account. Now this time, let's take a look at this, if we can get some audio on it. The spokesperson has been killed. Now, Republic TV in India also... Oh dear, those images actually come from a video game. गुरु ऐसे होंगे तो उनके चेले कैसे होंगे? देखिए क्या फालतूगिरी कर रहे थे वो प्राइम टाइम न्यूज के दौरान, विद रिस्पेक्ट टू आर्यन खान के केस के रिलेटेड। बेटा है आर्यन खान, उसने सिर्फ अगर कंजम्पशन का एक्यूजिशन है, पर उसके साथ के लोग तो जो है वो पेडलिंग कर सकते हैं ना। तो आप ऐसी संगति में हो क्या, इसके बारे में पिता को नहीं पता? नहीं, इसने साफ साफ बताया। न्यूज चैनल वालों को तो वो उनका हमेशा का कंटेंट मिल गया, बॉलीवुड और ड्रग्स। लेकिन चलो, इन्होंने इन कुछ स्टार किड्स ने जो कुछ किया हमें नहीं पता, इनके पास कुछ ग्रैंड हीरोइन मिली, लेकिन जिनके पास 3000 किलो की हीरोइन मिली उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं दोस्तों के लिए काम करता। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आज तक की न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जी अपने न्यूज चैनल पर अदानी के बारे में बात करने से जो पैनल पे एक्सपर्ट बैठे हैं उनको रोक रही है। ये जो ड्रग्स पेडलर हैं, ये किसी राजनीति दल के, किसी धर्म के, किसी जाति के नहीं होते हैं, ये मानव जाति के दुश्मन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है, कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। जिन धाराओं के इस वक्त की बड़ी खबर। वाह, चित्रा त्रिपाठी जी क्या बात है, जैसे कि आप प्रवक्ता ही हो अदानी जी की। हाँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था कि क्यों फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की नहीं जा रही, क्यों लखीमपुर के इंसिडेंट्स के बारे में बात की नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया टीवी है उनका कुछ और ही चल रहा है, ना फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे और ना ही वो आर्यन केस के बारे में बात कर रहे। चलो, वो तो अलग ही एंगल पे चले गए, कुछ मिला नहीं तो पाकिस्तान की बैंड बजाने लग गए। देखिए, इमरान ने खुद ही विरोधियों को मुद्दा दे दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर है, आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है। वाह वाह वाह, हमारे इधर तो रोजगार ही रोजगार है, हर किसी को 10-10 जॉब ऑफर है। हा? क्या बात है, ऐसे अगर न्यूज चैनल है तो हो क्या देश का भला, कि अपने देश में जो प्रॉब्लम है उस बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ फालतू न्यूज चलाते रहेंगे ऐसे कवर अप। ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर पॉइंट। ये मीडिया चैनल्स क्यों बात नहीं कर रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में या लखीमपुर इंसिडेंट्स के बारे में? सिर्फ अगर आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली सिंस द इंसिडेंट हैज हैपेंड, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई लखीमपुर इंसिडेंट्स के बारे में। सिर्फ आर्यन खान केस को लेके बैठे हैं, उस फालतू केस को लेके बैठे हैं। देखिए आप टाइम्स टाइम्स के जो स्लाइड्स हैं, मैं प्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट वीक में, आप देख सकते हैं। देखो, कहीं आपको किसानों की कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। और ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। और अब वापस जो झूठ बोले गए लखीमपुर के इंसिडेंट्स के बारे में, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए, पहली बात, अभी हमारे पास वीडियो है कि सच क्या हुआ। द बिगेस्ट इश्यू ऑफ दिस वीक, नाउ वी हैव द वीडियो। सीएम के पास का कुछ नहीं। अभी हमारे पास वीडियो है कि सच क्या हुआ, लेकिन जब हमारे पास वीडियो नहीं था, ठीक है, तो ये जो चैनल्स थे क्या क्या चला रहे थे, क्या क्या न्यूज चला रहे थे, आप देख सकते हैं। किसानों का संग्राम, लखीमपुर लहूलुहान। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद किसानों का हंगामा। प्रियंका जा सकती है लखीमपुर। और देखिए, ये जी न्यूज के जो प्राइम टाइम के एंकर है सुधीर मिश्रा जी, इन्होंने तो हद ही पार कर इतना झूठ बोल दिया जो लोकल जर्नलिस्ट कश्यप जी थे उनके डेथ के बारे में, आप देख सकते हैं।
हिंसा में रमन कश्यप नाम के एक स्थानीय पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये पत्रकार वहां किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहा था, लेकिन हिंसा के दौरान उसके साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की और मौत के बाद उसका शव भी काफी देर तक लापता रहा। देखिए, जो झूठ था वो आपने सुन लिया, लेकिन आप जरा सच्चाई सुन लीजिए। वो भी जो पत्रकार रमन कश्यप जिनकी डेथ हुई, उनके पिताजी और उनके भाई के मुंह से सुनिए ये सच्चाई। ये बताइए आप, रमन कश्यप की कल मौत हो गई, क्या कारण रहा इस तरीके से? ये सर भीड़ भाड़ तो थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे, मतलब उनको तो मतलब जब उसमें गाड़ी से ही मतलब के मरे हैं, और हम वहाँ देख के आए, पीएम तो ही गए, हमने देखा निशान पे घसीट के बैठा, गाड़ी के ठोकर लगे हैं। आपके भाई के साथ में क्या हुआ था और आप क्या इंसाफ चाहते हैं? भाई के साथ में ये जो तिकुनी वाली जो घटना हुई है उसमें इंजर्ड हुए थे, फिर उसके बाद में उनकी डेथ हुई है, और चाहते हम लोग क्या है, उनको गाड़ी से मारा गया है, उनकी हत्या की गई। किसने हत्या करी? हत्या क्या, अब जो सांसद पुत्र हैं और उनके सहयोगी लोग रहे हैं। और अब मैं आपको जो सुजीत मिश्रा जी हैं उनकी सच्चाई के बारे में बात करूंगा। इनके ऊपर 100 करोड़ के धोखाधड़ी का केस चल रहा था और वो तिहाड़ जेल जाके भी आ चुके हैं। लेकिन देखिए, एबीपी जो न्यूज चैनल है, इन्होंने जो सच्चाई है बयां कर दी है, देख सकते हैं आप। एक सिपाही जो मौके पर था, जिसने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, उससे हमने बातचीत अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाई है। जो जिस तरह से अजय मिश्रा कह रहे थे कि उनका बेटा मौके पर नहीं था, ये बात गलत साबित हुई। उस सिपाही ने भी कहा कि नहीं, मोनू भैया गाड़ी में थे और थार गाड़ी, थार जीप जो है वो खुद चला रहे थे और खुद ड्राइव कर रहे थे वहां पर। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि किस तरह से वो मौके से भागे हैं, पैदल भागे हैं थोड़ी देर पर, और उसके बाद एक मोटरसाइकिल में बैठ कर आगे गए हैं। देखिए, हम संवेदना रखते हैं जिनकी मौत हुई है उनके प्रति, एंड माय कंडोलेंसेस आर विद द फैमिली ऑफ द जर्नलिस्ट रमन कश्यप, ठीक है। लेकिन ये न्यूज चैनल कितना झूठ बोलेंगे, इतना दुख होता है ना, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कहां देश जा रहा है। और ये देखिए, आज तक का तो और ही अलग स्टाइल है जर्नलिज्म का। इन्होंने तो यहाँ पे धमकी देना भी स्टार्ट कर दिया है, एक तरीके से जर्नलिज्म के फेस में ये गुंडे हैं। आप रमन कश्यप की के जो भाई है, उन्होंने क्या कहा देखिए। आए चैनल वाले तो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से? वो आज तक से चुल्लू पर पानी में जाके डूब के बचाओ। देखिए, इतनी सारी झूठी न्यूज, फालतू की न्यूज दिखाई जाती है प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स पे। ये न्यूज चैनल्स है या एंटरटेनमेंट का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि इनको टीआरपी से मतलब है और बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये शायद कवर अप भी करते रहेंगे, हमें वो पता नहीं। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के। देखिए, सच कहीं से भी निकल ही आता है बाहर, और एज अ कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही एक सभी से अनुरोध है कि सही और अच्छे बंदों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत चीजों का अगर समर्थन करते रहे और उनके जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे, तो ये जो इंसिडेंस हुआ है ये आम बात हो जाएगी और रोज ही रोज ऐसे इंसिडेंसेस होने लगेंगे। और इस वजह से अगर आप क्रिटिसाइज करना चालू करेंगे तो शायद एक दिन अच्छे दिन सच्ची में आएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं, अच्छे दिन नहीं चाहिए, कम से कम हमें जीने दीजिए। This is Vinil Singh signing off. Thank you. Dhanyavaad. Jai Hind. Vande Mataram. Hey,